जंगल में अपने खेत पर भी बैठ जाएगा और वो कहकर बैठ जाए कि मैं आंदोलन में बैठा और अपने खेत के डोले में बैठा, तो वहां पर भी उसका आंदोलन है। तो बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है। आज का मौसम खराब था, आपने चेंज कर दिया मंडी वाला ये स्थान चुना और हरियाणा में जाता तो मंडी में मीटिंग करते हैं, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और अपनी मीटिंग भी जब जब भी कर रही हो, महीने में डेढ़ महीने पर अपना मीटिंग कर ली बढ़िया थी, और वहाँ पर अपना जो भी 10-20-100 आदमी ने अपना रूटीन में धरना चलाते हो, एक दिन उसके हम आ जाएंगे। आज तो जल्दी हम होगी क्योंकि 4:30 बजे की हमारी ट्रेन है कल महाराष्ट्र प्रोग्राम में, और वो भी प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। जैसे हरियाणा जुड़ा है, पंजाब के लोग जुड़े, उत्तर प्रदेश के लोग जुड़े, ऐसे ही महाराष्ट्र के मराठे लोग जुड़े हैं आपके संगठन के साथ। तो उनके वो 2 दिन का वहाँ प्रोग्राम है, हम कल 5, 6 और 7 तारीख से वहाँ पर रहेंगे। तो मराठे जुड़े क्योंकि मराठों की पानीपत में जब लड़ाई हुई तो हरियाणा सब लोगों ने साथ दिया था, तो वे फिर जुड़े हैं मराठे महाराष्ट्र के। वे उनका एक अपना आंदोलन है, हम उसमें जाएंगे, उनकी मीटिंग में शामिल रहेंगे और फिर यहाँ पर जो भी होगा आएंगे, आते रहेंगे, बताते रहेंगे। एक दिन हम आएंगे यहाँ पे और इसके कहाँ से फिजिकल हुआ है वो देख लेंगे एक बार आमने। और जो अधिकारी से बात की थी फिर इसमें अधिकारी से फिर बात कर लेंगे, जेलदार साहब हैं और जो हैं और जो भी आपकी कमेटी से बातचीत करती रहे वो बात करती रहे। लेकिन कोई आपको उकसाने की कोशिश करे कि वहां चलो रास्ते जान करो खड़े और उसका कुछ नहीं करना, अगर उनको पुल के वहां से रास्ता बनाना होगा तो रास्ता देना होगा, और नहीं तो दोनों तरफ उनकी सड़क बन दे तो हमारा तो रास्ता भूल गया। अगर एयरपोर्ट पर जाना होगा तो भी रास्ता चढ़ रहा, घर जाना होगा तो भी चढ़ रहा, उनको थ्रू आउट करना होगा तो हमको रास्ते देने पड़ेंगे। इसमें जल्दी नहीं करना, नवंबर तक एयरपोर्ट, सुन लो भाई बात सुन लो, मैं कोई जोक सी थोड़ा हूं, नवंबर में एयरपोर्ट चालू होगा और नवंबर में जो इनकी बातचीत चल रही पहले ही दिन यहां से करीब 60 फ्लाइट पहले ही दिन उड़ेगी हमसे नवंबर में। अगर 60 फ्लाइट उड़ेगी तो रास्ता तो देना पड़ेगा, इतना बड़ा एयरपोर्ट पड़ने तो यहाँ कटने लेने के लिए ये सारे काम करेंगे, आप शांति रखो। बड़ा एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ पे भी होटल आटल सब चीज बनेगी, हम भी यही पूरा करेंगे, मेरा नारायण का ये तो पूरा शहर बनवाए शहर। तो आप लोगों का धन्यवाद, शांति और हम भी क्योंकि अभी एक जगह नोएडा जाना है और फिर 2 लोग से दिल्ली मिलना और फिर 4:30 बजे तो आपका धन्यवाद सभी लोगों का, बढ़िया मौसम हो रहा। कहीं दिल्ली की भी मीटिंग रहेगी, दिल्ली की मीटिंग रख रखी है 14 मार्च की, अभी वो मीटिंग है दिल्ली, और उससे पहले 16 फरवरी को बंद है, भारत बंद का आह्वान करा है, ग्रामीण बंद। तो 16 फरवरी को ध्यान रखना सब लोग, अपने पास और तो कुछ नहीं, खेत में काम नहीं कर रहा, अपनी गाड़ियां नहीं काम में, जो ट्रांसपोर्टर है दुकानदार है उनसे भी बात करना भाई, 16 फरवरी को एक दिन किसान मजदूर आदिवासियों के नाम से बंद रखना, अपने घर का काम करो, अपने पशु का काम करो, उस दिन खेत हड़ताल भी आपको सबको रखनी। तो 16 फरवरी का ये दिन भी आप ध्यान रखें, अपने जो दुकानदार है उनसे बात करना, कुछ जगह दुकानदार लंच के बाद में उसको बंद रखेंगे, दोपहर के बाद बंद रखेंगे, ये पंजाब में बात हुई है कुछ लोग, तो कोशिश करेंगे कि उस दिन ना खुल जाए कोई, जबरदस्ती किसी के साथ में कर रही है उसे पता भी चल जाएगा कौन किसान मजदूर के साथ में, यहाँ पे ये इशू है तो इसी का नाम लेना। ये भाई हमारा 16 तारीख को बंद है तो सब लोग उसमें सही होंगे, तो आप लोगों का सबका धन्यवाद, सारे जो पास है उनका धन्यवाद, सभी समाज का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। हमें तो टिकैत साहब ये बता दो, ये जो पब्लिक है, मैं जो किसान संघर्ष समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे ये कहना चाहूँ, हमें ये बताओ 4 महीने है गए हमें बैठे बैठे
हमारी कई महिला बीमार भी रहेगी और जो बुजुर्ग भी बीमार रह गए, हम कब तक बैठे रहे? बैठना तो पड़ेगा जी। नहीं बैठे तो रहेंगे, पर जो है आपको कोई सलूशन तो सलूशन ये है कि काम नहीं चलेगा। आपका संघर्ष, अगर उनको काम चलाना होगा तो आपका संघर्ष उस दिन शुरू होगा, ठीक है। लेकिन इतना आपको बैठना पड़ेगा भाई, वे इंतजार कर रहे तो आप ही तो बोलेंगे। जल्दबाजी नहीं करना, जल्दबाजी में तो अगर देखे तवा घर का भी तवा गर्म हो जाए तो रोटी को जोड़ाएंगे, और ठंडा तवा वो रोटी को चुका दे तो आंदोलन को गर्म नहीं रखो, ज्यादा गर्माहट भी ना दो, नहीं तो ये बालक है। हरियाणा बहुत बेटा है, इसे हरियाणा को हमें बता, ये तो ये एक दिन में कर देगा ये आपका, ये ठंडा रखना, हरियाणा से काम लेना है ठंडा करके। जैसे घर का तवा है हमारी पहले जाने का, अगर तवा ठंडा होगा तो रोटी चिपकेगी, अगर तवा गर्म होगा तो रोटी जलेगी। तो मैं इसे ज्यादा गर्म करना, इसे लंबा तो देख रहे हैं दोस्तों, राकेश टिकैत हैं, किसान नेता हैं, मोहना में बड़ी महापंचायत हुई है, उसको संबोधित किया है। आप जानते हैं जेवर एक्सप्रेसवे पर जो मोहना में उतार चढ़ाव की मांग की जा रही थी वो नहीं दिया जा रहा है, और उसी के खिलाफ ये महाधरना महाआंदोलन चल रहा है, और आज 4 महीने हो गए हैं लेकिन इनकी मांग नहीं मानी गई है, और हजारों लोग आज महापंचायत में पहुँचे हैं और एक अपनी बात रखने का प्रयास किया है। अब लोकसभा चुनाव से थोड़ा पहले इतनी बड़ी महापंचायत आगामी लोकसभा कैंडिडेट का नुकसान कर सकती है, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर इनकी मांग नहीं मानी गई तो हो सकता है ये लोग कैंडिडेट का नुकसान कर दें। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।